अवैध शस्त्र निर्माण में 5 अदद पूर्ण निर्मित अवैध तमंचा, 4 अदद अर्ध निर्मित तमंचा, 4 अदद कारतूस 12 बोर, 1 अदद कारतूस 32 बोर व शस्त्र बनाने के विभिन्न उपकरण सहित अभियुक्त गिरफ्तार। बलरामपुर पुलिस अधीक्षक हेमंत कुटियाल के निर्देशन में अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण व विधानसभा चुनाव 2022 को सकुशल एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने हेतु अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक बलरामपुर नम्रता श्रीवास्तव व क्षेत्राधिकारी उतरौला उदयराज सिंह के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी निरीक्षक अनिल सिंह के नेतृत्व में उतरौला पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शस्त्र व शस्त्र बनाने के उपकरण की बरामदगी एवं अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। उप निरीक्षक धर्म प्रकाश सिंह व उप निरीक्षक विपुल पांडे पुलिस टीम द्वारा थाना कोतवाली उतरौला के वहद ग्राम कैथवलिया सलेमपुर आम के बाग से अभियुक्त बब्बन ठाढ़ी पुत्र पचई निवासी रामपुर डरिहवनडीह इटई रामपुर थाना कोतवाली उतरौला जिला बलरामपुर को गिरफ्तार किया गया। वहीं गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक धर्म प्रकाश सिंह, उप निरीक्षक विपुल पांडे, हेड कांस्टेबल नोहर सिंह, हेड कांस्टेबल साबिर खान, हेड कांस्टेबल अशोक सिंह, कांस्टेबल उदयवान यादव शामिल रहे। बीती रात को थाना कोतवाली अंतर्गत एक अभियान के तहत विधानसभा के चुनाव के दृष्टिगत अभियुक्तों के विरुद्ध अपराधियों के विरुद्ध धरपकड़ व अवैध शस्त्रों की तलाश के संदर्भ में थाना तौला के प्रभारी निरीक्षक श्री अनिल सिंह द्वारा व उनकी साथ उनकी टीम के द्वारा कल एक अभियुक्त को अवैध रूप से तमंचा बनाने के उपकरण सहित गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम बब्बन दाढ़ी पुत्र पचई निवासी रामपुर दरियावन डी इटई रामपुर थाना कोतवाली उतरौला जिला बलरामपुर का रहने वाला है। ये पूर्व से भी इसके विरुद्ध कई मुकदमे आपराधिक पंजीकृत हैं और ये साथी अपराधी है। कल इसके द्वारा अवैध रूप से शस्त्र फैक्ट्री बना करके का निर्माण संपन्न किया जा रहा था। मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त होने पर थाना प्रभारी उतरौला श्री अनिल सिंह अपने दल बल के साथ पहुंच करके उसकी घेराबंदी की, जिससे मौके पर उपरोक्त अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। इसके पास से 5 निर्मित अवैध तमंचा, 4 अर्ध निर्मित तमंचे व 4 अदद कारतूस 12 बोर, 1 अदद कारतूस 32 बोर और इसके अतिरिक्त उपकरण बनाने की भट्टी रिंच आदि जो सामान होते हैं वो सब बरामद किए गए हैं। इसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसे गहन पूछताछ की जा रही है और इसको शीघ्र ही न्यायालय रवाना कर दिया जाएगा और इसके द्वारा बताए गए इसके बयान के अनुसार अन्य लोगों को भी चिन्हित करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।